अगर आप सुबह अपने आप को एक्टिवेट नहीं कर पाए तो फिर नहीं कर पाओगे। हर सुबह आपके पास दो चॉइस होती है, या तो आप सोते रहो या फिर अपने सपनों को पूरा करने के लिए बेड छोड़ो और काम करो। आयुर्वेदिक रिसर्च के अनुसार यदि आप बीमारियों से मुक्त एक लंबी आयु पाना चाहते हो तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। आयुर्वेद में सुबह के एक एक पल को अमृत बेला कहा जाता है। अगर आप सुबह जल्दी उठकर अपनी नॉलेज और स्किल पर काम करते हो तो आप किसी भी स्किल में इतने मास्टर हो जाओगे कि जो बंदा उस स्किल में आपसे ज़्यादा टैलेंटेड है आप उसे भी आसानी से पीछे छोड़ दोगे, क्योंकि सुबह के टाइम हमारा थॉट ट्रैफिक बहुत कम होता है, इसलिए हमारा माइंड बहुत जल्दी किसी भी चीज़ पर फोकस हो जाता है और उसे बहुत जल्दी सीख भी लेता है। इसी तरह से अगर आप सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज और मेडिटेशन करते हैं तो आपकी बॉडी फिट होने लगती है और आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ने लगता है और आप बहुत कम टाइम में किसी भी स्किल को सीखने लगते हो, जो कि मैंने भी फील किया है। इसलिए अगर आप सुबह जल्दी उठकर अपने दिन को प्लान करते हैं तो एक तरीके से आप टाइम को खरीद रहे हैं और पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ टाइम का ही है। यही कारण है कि जितने भी बड़े मिलेनियर्स बिलियनियर्स और सक्सेसफुल लोग हैं वह सुबह जल्दी उठ जाते हैं और अपने दिन को प्लान करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति सुबह अपने आप को नहीं जीत सकता वो दुनिया को क्या जीतेगा। सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति आधी दुनिया से तो पहले ही आगे हो जाता है। जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है वो लेट उठने वालों के मामले ज़्यादा प्रोडक्टिव और पॉजिटिव होता है। अगर आप आज से सुबह 4 बजे उठना स्टार्ट कर देते हैं तो आने वाले 10 सालों में आपको 1 साल 2 महीने और 25 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, जो कि लेट उठने वाले इस चीज़ को गंवा देंगे। इसलिए मैंने पहले ही बोला था, अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप टाइम को खरीद रहे हैं। तो चलिए मैं आपको सुबह उठने के कुछ आसान से टिप्स बताता हूँ। पहला, रात को सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल गैजेट और टीवी को बंद कर दें। दूसरा, सोते समय 1 या 2 गिलास पानी पिए, जिससे कि यूरिनेशन प्रेशर के कारण आपकी नींद सुबह जल्दी खुल जाएगी। तीसरा, मोबाइल में सिर्फ 1 ही अलार्म लगाएं और उसे स्विच करने के लिए आपको उठना पड़ेगा, इसलिए उसे दूर रखें। चौथा, नींद खुलते ही बेड से उठ जाएं और बेड को फोल्ड कर दें, जिसके कारण आप दोबारा नहीं सो पाएंगे और आपकी नींद खुल जाएगी। अगर आप इन 4 टिप्स को 21 डेज तक फॉलो करते हैं तो आपकी हैबिट और आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाएगी। आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप जो चाहोगे वो कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।